हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक ने यहाँ पर अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं यहाँ पर, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं HDFC बैंक के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट्स रहे हैं इनके, कितना इनका नेट प्रॉफिट रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हेडलाइन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर Q4 के रिजल्ट में इनके नेट प्रॉफिट जो है उसमें यहाँ पर 23% की जंप देखने को मिली है यहाँ पर। और जो इनका नेट प्रॉफिट जो रहा है Q4 का, वो रहा है यहाँ पर 10,055 करोड़ का। तो 10,055 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा है Q4 का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 23% यहाँ पर जंप देखने को मिली है। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो इनका नेट इंटरेस्ट जो है उसमें भी यहाँ पर 10.2% की जंप देखने को मिली है। अभी ये चीज़ अपन डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। उसके पहले आप देख लें कि यहाँ पर इसका लास्ट ट्रेडिंग डे पर जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 1,464 रुपये पर क्लोज हुआ है ये, और 1.91% की गिरावट के साथ में ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे क्लोज हुआ है। इसके बाद अपन यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट में यहाँ पर कंपनी क्लियरली मेंशन किया है कि 16 अप्रैल आज की जो डेट है यहाँ पर इसने रिजल्ट अनाउंस किया है। और जो इनका नेट प्रॉफिट जो रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते 10,055 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा है, जो कि 23% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर जंप देखने को मिली है। अगर Q4 अपन बात करें 2021 से कंपेयर करें तो 23% की यहाँ पर जंप देखने को मिली है। Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 8,168 करोड़ का। तो 8,168 करोड़ से यहाँ पर ये बढ़ करके हो गया है 10,055 करोड़ का। तो यहाँ पर 23% की यहाँ पर जंप देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी का जो यहाँ पर जो बेड लोन्स रहते हैं, जो लोन रिपेमेंट नहीं करते, उनमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है 29% से। इट मीन्स यहाँ पर इनका जो रिकवरी जो है बैंक का, लोन रिकवरी रेट यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। जो बेड लोन्स थे उनमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है 29% से। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम की। नेट इंटरेस्ट इनकम ये होता है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब भी कोई बैंक किसी को लोन देती है तो बैंक क्या करती है कि वो भी किससे पैसे यहाँ पर उधार लेके आती है, और फिर किसी को यहाँ पर लोन डिसबर्समेंट करती है। तो जिससे पैसे लेती है और जिसको देती है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, वो होता है यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम। सपोज बैंक है, तो बैंक के पास दो इनकम के सोर्स होते हैं। मीन्स दो जगह से बैंक के पास पैसे आते हैं। एक तो होता है कि कोई कस्टमर है वो यहाँ पर अपने पैसे डिपॉजिट कर रहा है सेविंग अकाउंट पर, तो उसको कंपनी क्या करती है यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट देती है, और वही पैसा जो होता है बैंक वापस किसी दूसरे को लोन देती है। इन केस यहाँ पर कस्टमर से इनको डिपॉजिट नहीं मिलता, तो ये फिर ये RBI से पैसे लेके आती है और RBI को इंटरेस्ट पे करती है। ये अपन देखा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। तो सपोज अगर कस्टमर से ये लोन ले रही, कस्टमर यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कर रहा है पैसा, और बैंक उनको क्या कर रही है कि सपोज यहाँ पर 4 से 5% का, यहाँ पर मान लो 4% का यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट दे रही है कस्टमर को। उसी पैसे को बैंक क्या करेगी कि किसको लोन चाहिए तो उसको यहाँ पर 8% इंटरेस्ट पे उसको लोन देगी। तो बीच का जो 4% का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, ये बैंक का हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम। तो ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये इनकी रही है यहाँ पर 10.2% यहाँ पर जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो नेट इनकम जो रही इनकी, वो 18,872 करोड़ की रही है Q4 में। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी 10% की जंप अपने को देखने को मिली है इसमें। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो एडवांस भी इनके यहाँ पर 20.8 से यहाँ पर ग्रोथ हुए देखने को मिलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और 13 लाख करोड़ के लगभग इनके यहाँ पर जो एडवांस रहे हैं वो Q4 के रहे हैं। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके बाद बात करें, यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर दिया है बैंक ने, तो आप बेटर रहेगा कि आप खुद यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लें। अपन यहाँ पर मोटा मोटी देखें तो इनका जो कासा डिपॉजिट जो रहा है यहाँ पर कैश अकाउंट, करंट अकाउंट को वर्सेस सेविंग अकाउंट का, तो ये भी 7.5 लाख करोड़ का रहा है मार्च 2022 वाले क्वार्टर में Q4 में। और इसके अलावा अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो काफ़ी डेटा है वैसे। अगर मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप एक बार खुद जाके इसको पढ़ें पूरा यहाँ पर, तभी आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी। तो मेजरली यहाँ पर रिजल्ट इनके अच्छे रहे हैं, जैसे कि अपन देखा इनका यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। और यहाँ पर इनका जो मेन जो होता है कि इनका जो बेड लोन्स है वो भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी बार अगर बेड लोन्स यहाँ पर बढ़ते हैं तो कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा है यहाँ इनकम बैंक का अच्छा खासा रहा है, और जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पर उसके लगभग ही रहा है, एक्सपेक्टेशन से कम नहीं रहा है ये। क्योंकि काफ़ी बार लोग जो पहले एंटिसिपेट करते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, लेकिन अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से भी शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस समय इसके रिजल्ट अच्छे रहे हैं और एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मंडे को ये HDFC बैंक अगर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जैसे इसका शेयर जाएगा तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच सकता है। और उस केस में यहाँ पर मार्केट में जैसे कि अगर सेंटिमेंट नेगेटिव भी हो, फिर भी ये यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है HDFC बैंक।
तो यही था इस वीडियो में, और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।